हेलो गाइस, ये देखिए इन लोग जाने के नाम पे लड़ाई कर रहे हैं दोनों। बताइए, 20 दिन 1 महीना रह ली तो अब इसको ले जाने के लिए बोले तो जाने के लिए तैयार नहीं है। अब इसमें मार देंगे इसको, 2 4 झोपी तो ठीक हो दिमाग नहीं जाएगी। है, 1 महीना रहे, 10 दिन रहे हैं, 13 तारीख दस दिन को आए कैसे हैं, रहे हो? तुमको 13 तारीख बोले को आए हैं। सो चुपचाप से कपड़ा पैक करो, कुछ नहीं, हम तुम्हारा बैग जाएंगे। पैक कर दिए, दिखा दो, ये देखो तुम्हारा बैग पैक कर दिए, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं, जाएंगे कैसे माथा का दर्द जाऊंगा? लग रहा है वहां। माथा के दर्द अगर सब दिन है तो सब दिन तुम यहीं रहोगे? हाँ यही रहेंगे। यहीं कैसे रहो? जे रोकेगा उठा के बाजार देंगे तुरंत, हम वो खानी है। कल ले जाएंगे तो ले जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, काहे कि बार बार ही आदमी 5 हजार गाड़ी को दे के नहीं आएगा। इतना हम अंबानी नहीं है कि रोज रोज हमेशा 5 हजार खर्चा करके हम आएंगे। हम नहीं जाएंगे, कोई नहीं, कैसे जाओगे रोकेगा कौन, हम खुद रुक जाएंगे। तो उठा के पटक देंगे। यही करो तुम, वहां मारो हाँ हमको, यहाँ हाँ मारो, दो चार मारते झोपी लगा रहो। देंगे, ठीक हो जाओगे। अब भाई मेरे घर पे भी हम ही अकलौता लड़का है, मेरी मम्मी का पैर से बनता नहीं है, पापा खूब बनता है उनको, पापा को भी खूब है। बनता है, सब आराम से रहते हैं मेरे तुम बिना। कसम खा के बोल दो, कहते हो मम्मी के का तो बनता है पैर से, कसम खा के बोल दो, देख लेना झूठ पकड़ा गया ना। ऐसे ही झूठ मेरे बारे में बोलती है, हम समझे? बहुत खुश हैं तुम्हारे घर में, ये भी सब जानता है, हम नहीं जाएंगे बस। तुम खुश नहीं हो, तुमको काम पड़ता है थोड़ा सा, तो काम तो भाई बिजनेस है तो काम पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक ना? और तुमको आज सुबह ट्रेन है, 4:30 बजे पकड़ के चलना है तो चलना है, और ना चलोगे तो हम भाई फिर हम आएंगे नहीं बात है के लिए। भाई सु, हम तुम्हारे वजह से हम तुम्हारा टेंशन लेके हम दुबरा गए हैं, पतला हो गए। देखिए तो हम नहीं पतला हो गए हैं, आप ही लोग बताइए। अब मम्मी को हम खाने के लिए कुछ बोल ही नहीं सकते हैं कि हमको ये दो वो दो, वो जो बना के देती हम चुपचाप खा लेते हैं। अभी रहती तो इसको हम बोलते कि ये बनाओ वो बनाओ, तो मेरा मजबूरी हो गया है कि चलो अब जो बना के मिलता हम खा लेते हैं चुपचाप से। लेकिन ये तो हम क्या बोले, खीस में बोला जाएगा तो फिर बोले कि ये, अरे खैर आप लोग भी तो वैसा ही हैं, आप लोग भी तो हम ही को गाली देते हैं। इसको लाने में 10 हजार रुपया खर्चा हुआ है, 5 हजार गाड़ी का हुआ है, 3 हजार का शॉपिंग की थी आप लोग ब्लॉग बस में, बस झूठ मत बोलो, नहीं, झूठ नहीं, पांच इतना हजार ही। गाड़ी का दिया है, 3 हजार शॉपिंग की थी, कपड़ा ली थी, अपना ली थी, 2 सेट बाबू का, 2 सेट ली थी, प्लस में रास्ता में जो खर्चा हुआ वो अलग, मैंने 10 हजार रुपया खर्चा हुआ। तो आप कैसे बोलते हैं कि बिट्टू खर्चा नहीं करता? खर्चा नहीं करते तो, या फिर हम अपना वाइफ के पीछे उड़ाते नहीं तो हम काहे इसको इसको बस से ना भेजते, ट्रेन से ना भेजते, जाओ 100 रुपया पहुंच जाते। लेकिन नहीं, हमको डर था कि नहीं बस में बाबू लोग है, चांदनी है, चांदनी को उल्टी होता है, दिक्कत होगा, ऐसे अपना गाड़ी रहेगा तो कहीं भी रुकवा के अपना कुछ भी कर सकती है।